नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। ऐसा लगता है कि जो सिनेमा आज दिखाया जा रहा है उस सिनेमा का मकसद ना तो इतिहास के पन्नों को समाज में सही तरीके से रखना है और ना ही इतिहास दिखाना, ना ही महापुरुषों के प्रति लोगों को बताना है, बल्कि ऐसा लगता है मानो हमारे महापुरुषों की जिंदगी पर सिनेमा बना, उन्हीं की जिंदगी पर कालिख लगा, उन्हीं की जिंदगी पर भ्रम फैला, सुर्खियों में आते हुए सिर्फ पैसा कमाना मकसद है। एक लंबी फहरिस्त है जिसमें फिल्मों के जरिए, सीरियल के जरिए हमारे महापुरुषों, हमारे आराध्यों का गलत चित्रण कर अपमान किया गया। एक बार फिर से ऐसा हुआ। एक ऐसा राजा जो हिंदू सम्राट कहलाया, एक ऐसा राजा जो स्त्री सम्मान और अपने साम्राज्य में समानता के लिए विख्यात रहा, एक ऐसा राजा जिसने अपने जीवन काल में 80 युद्ध लड़े और सभी जीते, कभी हारे नहीं और अजय योद्धा कहलाए, जो बेसहाराओं के सहारा बने और हक के लिए जंग लड़ी। उनको हाल ही में आए सीरियल अहिल्याबाई में बुजदिल और दगाबाज बताया और उनका अपमान किया गया। इसके बाद देश भर में गुस्सा है और सीरियल को बंद करने के साथ जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि कब तक इस तरीके का अपमान सहते रहे। सूरज अमल ने जो गिरी हुई और घटिया हरकत की है उसके लिए हम उसे माफ नहीं कर सकते। सूरज अमल जैसे बुजदिल और दगाबाज लोग नहीं समझ सकते। सीरियल से इतर आज सभी के लिए जाना बेहद जरूरी है कि जिन महाराजा सूरजमल को बुजदिल बताया गया, दगाबाज बताया गया, वो आखिर कौन थे। हम आपको बताते हैं वो कौन थे। महाराजा सूरजमल राजा बदन सिंह के पुत्र थे। 17वीं शताब्दी में भरतपुर की स्थापना की, मथुरा, आगरा, बागपत, मेरठ, बरेली तक साम्राज्य का विस्तार किया। महाराजा सूरजमल ने अपने जीवन काल में कुल 80 युद्ध लड़े। 80 युद्ध में से किसी में वो हारे नहीं, हमेशा अजय रहे। दीन दुखियों दलितों का सम्मान किया, स्त्रियों की रक्षा के लिए हमेशा वो समर्पित रहे। जंग भी लड़ी उन्होंने, हिंदू लड़की की रक्षा के लिए दिल्ली बादशाह को ललकारा और दिल्ली से युद्ध किया और बादशाह को अभयदान भी दिया। जाकर पढ़िएगा इतिहास को। पानीपत में हारे मराठाओं के बच्चों और महिलाओं को शरण दी, उनकी सुरक्षा की, इलाज करवाया और धन दौलत के साथ उनको बाकायदा सह सम्मान विदा किया। महाराजा सूरजमल के साम्राज्य में समानता का अधिकार था और महाराजा सूरजमल के खजांची अनुसूचित जाति के लोग हुआ करते थे। ये थे महाराजा सूरजमल, उनके इतिहास को पढ़िए सारा। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि जिस अजय योद्धा पर यह कहा गया कि वो बुजदिल हैं, किस तरीके से अपमान किया गया है। ये सोनी टीवी पर चलने वाला अहिल्याबाई सीरियल है जिसको लेकर विवाद हो रहा है। 17 नवंबर को चले एपिसोड में यह विवादी टिप्पणी की गई जो हमने आपको सुनाई और कहा गया कि दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर युद्ध लड़ने का मजा ही कुछ और है, लेकिन यह बात मैं सूरजमल जैसे बुजदिल और दगाबाज लोगों को नहीं समझा सकता। इस टिप्पणी के बाद देश भर में जाट समाज और अन्य समाज के लोगों में भारी आक्रोश है। सीरियल को बंद करने और सजा देने की मांग की जा रही है। ऐसा नहीं करने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि दर्जन भर से ज्यादा फिल्में ऐसी हैं जिनमें हमारे महापुरुषों को, हमारे आराध्यों को इस तरीके से अपमानित किया गया है, इतिहास को गलत तरीके से प्रदर्शित किया गया है और अब महाराजा सूरजमल को बुजदिल दगाबाज बताया गया है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता प्रतीक सिंह जी, बीजेपी नेता जितेंद्र श्रीमाली जी हमारे साथ मौजूद हैं, अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के प्रवक्ता हरिराम किवाड़ा जी। हरिराम जी, शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगा सर, सिर्फ सजा से काम नहीं चलेगा, ये एक तरीके की परिणति हो गई है कि एक समाज के महापुरुषों को अपमानित किया जाए, कंट्रोवर्सी में आया जाए, अपने सिनेमा को हिट किया जाए और पैसा कमाया जाए। इसके लिए हमारे महापुरुषों ने ना बलिदान दिया था और ना ही इसके लिए वो जाने जाते हैं। नमस्कार, मैं कहना चाहूँगा जिस महाराजा सूरजमल को इस तरीके से दिखाया गया उनके बारे में कहा जाता है कि विश्व के सिरमौर, भारत भूमि के अजय महायोद्धा थे जिनका आपने जिक्र भी किया और उनका एक अद्भुत इतिहास है और इसी को लेकर के अनेक इतिहासकारों ने बहुत अच्छी किताबें भी लिखी और उसके बाद में हमारी अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद की टीम ने 2017 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जिसको दिल्ली विज्ञान भवन से रिलीज़ किया गया। इस
टिप्पणी के बाद में न केवल देश भर में बल्कि विदेशों में अमेरिका, इंग्लैंड, अफ्रीका तक में आक्रोश है और अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के प्रतिनिधियों की तरफ से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज करवाए जा चुके हैं। अभी हमारे दोनों साथी जाट संसद के हमारे कलवाणे पलसाण हैं जी, वो साउथ अफ्रीका में है, वहाँ से विरोध दर्ज है। पूरे विश्व भर में एक आक्रोश है, एक ऐसा महायोद्धा जिस राजस्थान को या जिस भारत भूमि को जाना जाता है वो सत्यवादी वीर तेजाजी के वचनों के अरमान के लिए जाना जाता है, महाराजा सूरजमल के शौर्य के बखान के लिए जाना जाता है, जहाँ पर धन्ना भगत जैसे, मीराबाई जैसे, कर्माबाई जैसे महान पुरुषों की भक्ति के गुणगान से जाना जाता है, जिसका इतिहास कला, संस्कृति और शक्ति और भक्ति है। उसके बीच में अगर कोई भी इतिहास से चाहे छेड़छाड़ करें, पहले पानीपत में भी ऐसा किया, पद्मिनी में भी ऐसा किया गया था, तो बार बार सिनेमा के जो नचैया लोग कह सकते हैं या तथाकथित जो भी सीरियल्स बनाते हैं, केवल पैसे कमाने की आड़ में या टीआरपी बढ़ाने को लेकर के अगर इस तरीके से आप तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करेंगे, किसी महापुरुष की पर्सनैलिटी को अगर गलत तरीके से पेश करेंगे, तो जनता में आक्रोश होना स्वाभाविक है। और ये आक्रोश यहीं तक नहीं, पूरे विश्व भर में है, और अगर इस पर कार्रवाई समय रहते नहीं हुई तो आप ये जानिए कि पूरे विश्व का न केवल जाट समुदाय बल्कि आम आदमी, क्योंकि महापुरुष किसी जाति समाज के नहीं होते, वो तो 36 कोमर बिरादरी के मानवता के मसीहा होते हैं। तो इसलिए और कम से कम एक महापुरुष को अगर आपको प्रदर्शित करना है तो उसके बारे में पढ़ लिया जाए, और अगर आपके पास संकीर्ण ज्ञान है, जो फिल्म बना रहे हैं, जो सिनेमा बना रहे हैं, उनके पास अगर संकीर्ण ज्ञान, तो जिनके पास विस्तृत ज्ञान उनसे ले लिया जाए। और इसमें बड़ी बात यह है कि हमारे जो भी, चाहे इतिहास के किसी भी झरोके से किसी भी महापुरुष पर कोई सीरियल बनता है, तो तथाकथित बनाने वालों का स्वाध्याय बहुत कमजोर होता है, इसी के कारण ऐसी गलतियां होती है। और कई बार एक षड्यंत्र और प्लानिंग के तहत अपने टीआरपी बढ़ाने को लेकर के भी इस तरीके की कुछ विवाद छोड़े जाते हैं। श्रीमाली जी, हिंदू हृदय सम्राट सर, हिंदू हृदय सम्राट ये तमगा था उनके पास, वो अजय योद्धा थे सर। बिल्कुल सही कहा, जो बात बता रहे थे हिंदू हृदय सम्राट के संबंध में। देखिए सोलंकी जी, इस देश के अंदर कुछ ऐसे, कुछ वोट कमाने के लिए और कुछ नोट कमाने के लिए एक षड्यंत्र चल रहा है, जो इस समाज और देश के अंदर किस प्रकार से भेद डाला जाए, किस प्रकार से आप महापुरुषों का अपमान किया जाए, हिंदू समाज के देवी देवताओं का अपमान किया जाए, इस प्रकार का एक सोचा समझा षड्यंत्र अपना वोट और नोट कमाने के लिए इस देश में चल रहा है। अभी कुछ समय पहले आप ये बिल्कुल जो सही बात कह रहे हैं कि पद्मावती के लिए कहा गया, हिंदू हृदय सम्राट इनके लिए कहा गया, परंतु इनके साथ साथ सावरकर के लिए भी अभी कुछ समय पहले कहा गया। कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने सावरकर के बारे में इस प्रकार के, तो ये जो सर मैं मुद्दे से नहीं हटने दूंगा, की जा रही है आपको ध्यान है, पृथ्वीराज चौहान मूवी आई, मैं वही कह रहा हूँ, ये इस देश में ये षड्यंत्र चल रहा है, प्रमाण सोलंकी जी, गोरी बैठा मच चुका चौहान, इस देश में षड्यंत्र चल रहा है, और उसमें क्या दिखाया गया था, इस देश को बीजेपी के केंद्र में सरकार होने के बावजूद, के बारे में एक बीजेपी के केंद्र में सरकार होने के बावजूद ये संदेश को मिलेगा। और मैं मांग करता हूँ कि इस प्रकार के षड्यंत्र और इस प्रकार की मूवीज, इस प्रकार की शूटिंग और इस प्रकार के फिल्मों और इस प्रकार के कथनों के ऊपर सरकार को इनिशिएटिव होकर के रोक लगानी चाहिए। पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कहा जाता है कि जब हमारे बड़े नेता और बहुत बड़े जो इस व्यापार में लगे हुए उद्योगपति एक प्रकार का देश को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र करते हैं, तब तब जाकर के दुख होता है। सवाल कर रहा हूं सर, आप कहेंगे मैं दर्जन भर मूवी गिनाऊंगा जो हाल ही में रिलीज हुई, बिल्कुल सही बात है, कंट्रोवर्शियल, ऐसे मुझे बताइए ना, मुझे बताइए ना कि बीजेपी के केंद्र में सरकार है, अभी तक किसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई? जो कार्रवाई, आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपका ज्ञानवर्धन कर दूं कि इस प्रकार के कार्रवाइयों पर रोक लगाने का राज्यों का अधिकार होता है। जिस राज्य के अंदर इस प्रकार के शूटिंग चल रही होती है, जिस राज्य के अंदर इस प्रकार की फिल्म रिलीज हो रही होती है या सीरीज होती है, वहीं पर ही रोक लगती है। मैं आपका ज्ञानवर्धन कर देता हूं सर, कोई भी फिल्म ना राज्यों में रिलीज नहीं होती है, राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज होती है, कोई भी सीरियल राज्यों में रिलीज नहीं होता है, राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज होता है। मैं कह रहा हूँ राजस्थान में सेंसर बोर्ड किसी राज्य के अधीन नहीं आता है, केंद्र सरकार के अधीन आता है, यात्री को रोक लगाने के लिए बता रहा हूँ सर, शूटिंग के ऊपर रोक लगेगी तो ना तो इस प्रकार की फिल्म बनेगी और इस प्रकार के वक्तव्य देने वालों के खिलाफ और इस प्रकार के योजना बनाने वालों के, इस प्रकार का स्टेटमेंट देकर के समाज को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ। जितेंद्र श्रीवाली जी, बहुत रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूँ सर मैं, अगर वाकई में यहां चोट लगती ना सर, तो बाकियों पर भी कार्रवाई हुई होती। पृथ्वीराज चौहान फिल्म को लेकर कोई कंट्रोवर्सी हुई बताइए ना देश में, सोलंकी जी आपको याद दिला दूं, उसको तोड़ मरोड़ दिया गया, देश में अकबर को महान और महाराणा प्रताप को कमजोर बताया गया, यही इसी देश का 60 साल तक हमको किताबों में पढ़ाया गया, ये क्यों इस, मैं कह रहा हूं बार बार कह रहा हूं कि 60 साल तक इस देश के अंदर, पिछले 60 सालों में
इस देश में षड्यंत्र पूर्वक इतिहास हिंदू समाज के लोग हिंदू समाज का अपमान इतिहास देखिए वो बदलने के लिए चित्रकार थे उन्होंने हमारे देवी देवताओं के नग्न चित्र बनाए इसी देश में रामवीर सिंह वर्मा जी जो है पॉलिटिकल पार्टी है उसका समर्थन करते हैं वर्मा जी ऐसे लोगों के ऊपर इस प्रकार की फिल्म बनाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो हम भी कह रहे हैं लेकिन हुई किस पर? हम अभी कह रहे हैं पद्मावती के मामले के अंदर जब हुआ था तो हमने कहा और कार्रवाई हुई उस पर क्या बंद हुई फिल्म क्या कार्रवाई हुई रोक लगी उसके। मैं यही कह रहा हूँ कि इस प्रकार के जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु जब राजनीति घुस जाती है सोलंकी जी इन मामलों में जब राजनीतिक शक्ति देते हैं जब राजनीतिक सहयोग होता है ऐसे नहीं आएगा सर तब मुझे लगता है कि कांग्रेस इस मामले पर आएगी। कांग्रेस ने तो सावरकर के सावरकर के मामले में राहुल गांधी के बिल्कुल एक प्रकार की एमरिया से टिप्पणी करी मुझे शर्म आती है। अहिल्या बाई का प्रकार की भाषा बोलते हुए शर्म आती है। उनके से जुड़ी एक कहानी होती तो सब सम्मान भारत जोड़ कर रहे होते ठीक है सर भारत तोड़ने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर रामवीर सिंह वर्मा जी सर एक ऐसे योद्धा जो एक हिंदू लड़की के सम्मान के लिए दिल्ली बादशाह से लड़ जाए और इतने इतने अंदर से सहीन शून की जब तलवार गर्दन पर रख दी जाए और आगे बादशाह की पत्नी आ जाए और कहे कि तो काली गाय के बराबर और उसको छोड़ दिया जाए। 80 जंग लड़ी एक नहीं हारे वो बुजदिल कैसे हो सकते हैं सर? इतिहास के पन्नों को जरा खंगाल कर बताइए। देखिए महाराजा सूरजमल अजय योद्धा भारतीय संस्कृति के रक्षक के रूप में जाने जाते हैं जी। जीवन भर वो सत्ता के लिए नहीं बल्कि हिंदू धर्म के लिए हिंदुस्तान की बहन बेटियों की मान मर्यादा की रक्षा के लिए और देश की गुलामी को गुलामी से बचाने के लिए लोगों के लिए उन्होंने संघर्ष किए। उन्होंने जीवन भर 80 युद्ध किए किसी भी युद्ध में नहीं हारे और ये तो अहिल्याबाई मूवी के अंदर उनको बुजदिल और नाकारा और खांडेराव द्वारा हारा हुआ बताया जा रहा है। ये ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में सफेद झूठ है। मैं आपको लेकिन सर ये कहीं तो लिखा गया होगा ये आपको लग रहा है कि जिन्होंने इसको बनाया जो सीरियल लिख रहे हैं वो अपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ एक पक्ष को देख रहे हैं कहीं नहीं लिखा हुआ ये। वो सिर्फ सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए ऐतिहासिक महापुरुषों का चरित्र हनन करने के प्रयास में कि उनको ओटीपी मिले अपना नाम हो इसके लिए वो कर रहे हैं। जिस महाराजा सूरजमल ने हिंदू धर्म की रक्षा की हो जीवन भर 80 युद्ध लड़े हो और तेरा कुमेर के युद्ध में मारा गया महाराजा सूरजमल ने उसके शोक में शामिल होकर के काले वस्त्र भेंट किए और उसकी स्मृति में कुमेर के गांगरसोली गांव में एक मंदिर और छतरी का निर्माण कराया जो आज भी भरतपुर में मौजूद है जिसको देखने के लिए बाहर से पर्यटक आते हैं। दूसरी बात मैं यह कहूंगा मलारराव होलकर ने जब महाराजा जवाहर सिंह ने महाराजा सूरजमल की मौत का बदला लेने के लिए नजीबुद्दौला से युद्ध किया तो इन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ा करके कि मैं आपके साथ जो है सहयोग करूंगा और दिल्ली फतेह कराने जाऊंगा लेकिन इन्होंने होलकर ने नजीबुद्दौला से समझौता करके जब दिल्ली को फतेह कर लिया महाराजा सूरजमल ने तो उनसे विश्वासघात करके और उसका संधि का प्रस्ताव करवाया दिल्ली को जीती हुई को संधि के रूप में परिवर्तित करवाया जी। ऐसे होलकर को जो ये कह महाराजा सूरजमल को पराजित किया था कभी भी होलकर ने और मैं तो ये बताना चाहता हूं इतिहास के परिप्रेक्ष्य में जब दिल्ली से युद्ध में जीतने के लिए मराठाओं के साथ दिए गए और जब इनकी हालत खराब हुई और दिल्ली से पराजित होकर के लौट रहे थे तो यही वो महाराजा सूरजमल थे जिन्होंने मलाराव होलकर को डीग के महलों में शरण दी थी और उनकी रक्षा की थी जी। तो ऐसे महाराजा सूरजमल पर जो हिंदू संस्कृति और भारतीय संस्कृति का रक्षक था वो किसी राज्य की स्थापना के लिए नहीं लड़ रहे थे जी। वो तो सिर्फ हिंदुस्तान की मान मर्यादा के लिए। लेकिन सर इससे पहले भी एक फिल्म बनी थी उस फिल्म के अंदर भी महाराजा सूरजमल को ऐसे ही प्रदर्शित किया गया था और वो फिल्म अभी भी प्लेटफॉर्म पर पड़ी हुई है कुछ नहीं बदला है। प्रतीक सिंह जी सर महाराजा सूरजमल ये देश की शान थी और राजस्थान का तो स्वाभिमान है
अगर स्वाभिमान पर सीधे तौर पर चोट की जाएगी तो हम उम्मीद करते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर कि राज्य की सरकार कुछ तो कठोर कदम उठाएगी। देखिए सूरज महाराजा सूरजमल जी का जो अपमान है वो अपमान सिर्फ राजस्थान का या आपका या मेरा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का अपमान है। और ये सिर्फ आज ये अहिल्या बाई जो आ रही जो सीरीज आ रही है उसी की बात नहीं है। आप पिछले दिन देखिए एक मूवी आने वाली थी जिसमें राम जी का हनुमान जी का अपमान किया गया, तो आप देखिए ये एक पूरी तरीके से चलाया जा रहा है। और किसके अंडर में आता है, केंद्र सरकार के अंडर में आती है ये चीज़ें। मैं एक डिबेट में बैठा हुआ था, वो बोल रहे थे कि उसका ट्रेलर पाबंद हो जाएगा, वो अभी तक नहीं हुआ, वो ट्रेलर आज भी पड़ा हुआ है। 17 तारीख की ये घटना है, 17 तारीख को ये एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था, आज 29 तारीख हो गई है, आज तक क्या कार्रवाई की केंद्र सरकार ने? मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई भी राजनीति घुसाने की जरूरत है। जो गलत है वो गलत है और हम सभी को स्वीकारने की जरूरत है। तो कांग्रेस पार्टी तो इसकी मांग करती है कि जो भी सीरियल आ रहा है, बोला आपके बीच में बोलने लगे, नॉलेज ही नहीं है, बोलने लगे राहुल गांधी को, इतनी जानकारी नहीं है, बिना सावरकर को पढ़े, अगर सरकार की अमर्यादित टिप्पणी उन्होंने करी है तो उनका अल्पज्ञान प्रदर्शित हो रहा है। मैं सावरकर कह रहा हूं, उनके बारे में अल्पज्ञान प्रदर्शित हो रहा है। जिस व्यक्ति को यह पता नहीं कि सावरकर क्या चीज है, माफी मांगी थी, छह बार माफी मांगी थी, आप भारत जोड़ो कर रहे हैं, भारत तोड़ो कर रहे हैं, मांगी थी आप भारत को जोड़ो का काम कर रहे हैं कि भारत तोड़ो कर रहे हैं, छह बार माफी मांगी थी, जानकारी नहीं है। कांग्रेस पार्टी को कहिए कि वो पहले इतिहास पढ़े, आपने अकबर को महान बताया, महाराणा प्रताप का अपमान किया, आप देखिए कैसा शर्मनाक इतिहास बन रहा है। 60 साल तक आपने इतिहास के इतिहास को बदल दिया। मैं इसको अपने जितेंद्र शिरवाली जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी का स्टैंड ये है कि महाराजा सूरजमल पर अगर कोई डिबेट हो तो उस पर बात नहीं करनी है? जितेंद्र शिरमाली जी आप इस डिबेट को भटका कर महाराजा सूरजमल का अपमान कर रहे हैं। ये कब बंद होगा हमारे प्रतीक? एक मिनट आप जितेंद्र शिरमाली जी, आपकी सरकार है, सरकार छोड़ राहुल गांधी से पूछो, जो यहाँ वादा करके जाते हैं, झूठे हम झूठे वादे करते हैं, उनसे पूछो, आप अशोक गहलोत से पूछो कि क्यों नहीं रोक लगा रहे हो, सरकार छोड़ो, अशोक गहलोत का कह रहे हैं रोक लगावे, आप प्रधानमंत्री को कहिए तो कहिए मुख्यमंत्री को कि रोक लगावे, ऐसे ऐसी सीरियल जितेंद्र शिरमाली जी, हम जितेंद्र शिरमाली जी, जितेंद्र शिरमाली जी, सर मैं वाकई में मानता था कि आप एक अनुभवी नेता हैं जो तर्कों के साथ बात करते हो, मैं मानता था सर, आप भ्रम पैदा कर रहे हैं। मुझे एक बात मुद्दे को भड़का रहे हैं सर, अगर आप चाह रहे हैं, अगर आप ये चाह रहे हैं, अगर आप ये चाह रहे हैं कि मुद्दे पर बहस नहीं हो रही है तो सर आप इससे चर्चा से जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने दीजिए सर, मीडिया के सामने आने दीजिए, आपसे ये कह रहा हूँ, जितेंद्र जी दो सवाल आपसे सर, सिर्फ विद रिक्वेस्ट दो सवाल कर रहा हूं और उन दो सवाल का सीधा जवाब दे दीजिएगा। देश में कानून बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? देश में कानून, हाँ बताइए सर, बताइए। देखिए सुनिए, देश के लिए जो पूरे देश के हिसाब से जो कानून बनता है वो केंद्र सरकार की है, ठीक है, पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। मैं आपसे क्या सवाल किया सर, कानून छोड़ दीजिए, अरे सुनिए सुनिए मेरी बात सर, कानून व्यवस्था बनाए रखनी, सुनिए सर मेरी बात सुनिए, पहले आपका सवाल गलत है, आपका सवाल ही गलत है, ये डिबेट ही गलत है सर, आपके ने सवाल से तो ये डिबेट ही गलत है, आपके ने सवाल से व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, इस तरीके की बातें व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र शर्मा जी, बहुत शुक्रिया सर, लेकिन रामवीर सिंह वर्मा जी, सर आप तो इतिहासकार हैं और जिस तरीके से
इतिहास के पन्नों को खंगाले बिना इतिहास को दर्शाया जा रहा है, उससे वो दुर्दशा हो रही है हमारे इतिहास की, जहां हमारे ही सम्माननीय कटघरे में खड़े हो रहे हैं, उनको वापस जोड़ेंगे। लेकिन हरिराम किवाड़ा जी, बहुत सीधा सवाल कर रहा हूं सर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहां विरोध हो गया तो आगे से किसी महापुरुष को लेकर कोई फिल्म नहीं बनेगी, कोई सीरियल नहीं बनेगा और उसमें भ्रम नहीं फैलाया जाएगा। क्या एक ऐसे कानून की वाकई में जरूरत नहीं देश भर में कि भाई आप मत छेड़िए, हमारे महापुरुष जो पढ़ा दिए गए हम पढ़ लेंगे, बस आप मत बनाइए सीरियल, और अगर आप सीरियल बना रहे हैं तो बाकायदा एक कमेटी हो जो उनकी पूरी स्क्रिप्ट को चेक करे, और उसमें जिस भी समाज से जुड़े हुए महापुरुषों के ऊपर फिल्म बन रही है, सीरियल बन रहा है, उसके प्रभुजनों को साथ में लिया जाए, इतिहास को क्रॉस चेक किया जाए, यह विवाद भी पैदा ना हो। इसमें मेरा निवेदन यह है, जैसा कि अभी दोनों भाइयों की बात भी सुनी, ये राजनीति का विषय तो है ही नहीं। कानून व्यवस्था केंद्र बनाते राज्य लागू करते हैं, लेकिन यहाँ पर न तो कांग्रेस और बीजेपी का सवाल है, बात यह है कि जिस महापुरुष का अपमान हुआ है, आज घर में आग यहाँ लगी है, कल आपके भी लगेगी, तो इसको राजनीति का मुद्दा न बनाकर केंद्र सरकार अपने स्तर पर सख्त कार्रवाई करे, जिस सख्त कानून की जरूरत हो वो हो, प्लस जिस महापुरुष के बारे में, जिस इतिहास के घटनाक्रम पर कोई भी सीरियल या फिल्म तैयार की जाती है, तो उसके जानकार, उसके ऊपर जो लेखक जिन्होंने पुस्तकें लिखी है, जिन्होंने उनके ऊपर कोई पहले से कुछ डाटाबेस तैयार किया, उन लोगों के साथ एक अच्छी तरीके से डिस्कस होता है कि उससे समाज में एक अच्छा संदेश भी जाएगा। दूसरी चीज़, अगर इसी तरीके से लगातार नेता आपस में एक दूसरे पर टालते रहेंगे तो जनता सब देख रही है आज जिस तरीके का आक्रोश पूरे देश में है, पूरी दुनिया में है, ये सरकारों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए इसको राजनीतिकरण न करके और आप महापुरुष के जो अपमान हुआ है उस मुद्दे पर ही बात करें, मेरा विशेष निवेदन है। मैं तो इसमें फर्स्ट बार डिबेट में आया हूं, लेकिन आप तथ्यों के जानकार और विषय को विषयांतर नहीं करें, उन लोगों के साथ में अगर बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे लगा था हरिराम जी कि दोनों बैठे हैं वो कहेंगे कि भाई ये राजस्थान का स्वाभिमान है, देश का स्वाभिमान है, हम दोनों चलेंगे और कहेंगे सीरियल को या तो बंद कीजिए, और ये जो यहां पर कंट्रोवर्सी पैदा हुई है, रुकिए सर एक मिनट, ये जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई है इसको हर प्लेटफॉर्म से उड़ा दिया जाए, और अगर किसी प्लेटफॉर्म पर ये मिले तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। जब हम संसद में बैठते हैं ना सर, तो संसदीय कार्रवाई से बहुत चीजों को हटा दिया जाता है और वो आपको कहीं नहीं मिलेंगी उसके बाद। क्यों नहीं हटाया जा सकता इनको? बिल्कुल हटाया जा सकता है। बिल्कुल, अगर कोई किसी के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर देता, प्रधानमंत्री पर, कानून व्यवस्था पर, किसी न्यायाधीश पर या किसी भी ग्रेट पर्सनालिटीज पर, तो पुलिस तुरंत एक्शन लेती है, गिरफ्तार करती है। तो इसी तरीके से किसी भी इतिहास के महापुरुष के साथ अगर छेड़छाड़ की जाती है तो सरकार का ऐसा सख्त कानून हो कि तुरंत उस पर कार्रवाई हो, ताकि आगे से कोई हिम्मत नहीं, तो दंड के कड़े प्रावधान किए जाएं और समाज के सामने सकारात्मकता परोसे जाए, ताकि आने वाले दंड तो मिलना ही चाहिए। मेरे लिए इससे बड़ी समस्या है ये है कि अगर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पड़ा रहा, अगर ये यूट्यूब पर पड़ा रहा, तो आज से 5 साल बाद किसी को ध्यान नहीं रहेगा कि जिसने बनाया इसको उसको क्या सजा हुई। उनके लिए महाराजा सूरजमल बुज़दिल ही रहेंगे, क्योंकि वो उसी के माध्यम से पढ़ेंगे। किताब पढ़ना लोगों ने छोड़ दिया है, इतिहास पढ़ना छोड़ दिया है। मेरे लिए जरूरी है कि हर प्लेटफॉर्म से हटे, माफी तो जरूरी है ही। डॉक्टर रामवीर सिंह वर्मा जी, सर एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं और व्यक्तिगत अपने अनुभव के साथ दे रहा हूं। अभी पृथ्वीराज चौहान फिल्म रिलीज हुई, हम बचपन से पढ़ते आए, 4 बांस 24 गज अष्टुंगल प्रमाण था ऊपर गोरी बैठा मच्छू के चौहान, और ये स्वाभिमान के प्रतीक थे, जिसमें चंद्रवरदाई उनको खंजर घोपते हैं इसलिए कि आपको उनके हाथों नहीं मरना है। और फिल्म में यह दिखाया गया कि बीच के अंदर गौरी की सेना ने उनको मारा गया। अब जो फिल्म देखेंगे उनके लिए पृथ्वीराज चौहान का वही चित्रण है और वही वर्णन है सर। और ऐसे ही महाराज सूरजमल के लिए जो दिखा दिया गया, जो बता दिया गया, और जिन्होंने सुना और जिन्होंने महाराज सूरजमल को नहीं पढ़ा, उनके लिए अब वो बुज़दिल हो गए हैं। इसका हटना बेहद जरूरी है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं आपसे, क्या भरतपुर के राजा महाराजाओं के ऊपर ही इस प्रकार की टिप्पणी करना है? जिस भरतपुर, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं आपकी माध्यम से, जिस दिल्ली की ओर किसी की आंख उठाने की हिम्मत नहीं होती थी, उस दिल्ली का भविष्य कई बार महाराजा उनके दरवाजे उखाड़ लाए थे सर। महाराजा सूरजमल दरवाजे उखाड़ लाए थे। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ से जिस दरवाजे को ले गया था सुलेमान के प्रतीक को, उसको महाराजा जवाहर सिंह दिल्ली विजय के प्रतीक के रूप में भरतपुर लाए, और जो आज भी भरतपुर के किले में लगा हुआ है जी। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का कोई भी राजा महाराजा
न कभी दिल्ली में युद्ध करने के लिए किसी से गया और न कभी अंग्रेजों से युद्ध किया। यदि अगर ये स्वाभिमान किसी को है तो वो भरतपुर के लोगों को है, जिन्होंने 1805 में लॉर्ड लेक जैसे विशाल सेनापति को पराजित किया और दिल्ली को पराजित किया, महाराजा सूरजमल ने किया, महाराजा जवाहर सिंह ने किया जी। और उनके चरित्र पर सर मैं भरतपुर से नहीं हूं, लेकिन मैं फक्र महसूस करता हूं कि मैं उस देश से हूं जहां महाराजा सूरजमल रहे हैं। मैं फक्र महसूस करता हूं सर, और इसलिए मेरे अंदर तक लगी है ये बात। महाराजा सूरजमल भारत वर्ष के हैं, भारतीय संस्कृति के। ठीक है सर, मेरे पास अब वक्त की कमी है। जितेंद्र श्रीमाली जी सर, हाथ जोड़कर गुजारिश है सर, केंद्र सरकार को कम से कम इतना कहिए कि इतना तो एक्शन कराए, सुनिए सर, इतना तो एक्शन कराए कि ये जो सेगमेंट है, ये जो सेगमेंट है इसको हर प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए। मैं बार बार आपको एक बात कह रहा हूं कि जो देश में बोलने की आजादी, जो अपने विचार व्यक्त करने की आजादी है, उसका दुरुपयोग करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। इसी देश, जिस देश की आप बात कर रहे हैं कि उस देश का मैं हूं जहां पर सूरजमल जैसे लोग पैदा हुए, बिल्कुल सही बात है। और उसी देश के लिए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह करने वालों को कौन थप्पी दे रहा था, कौन से लोगों ने थप्पी दी? अभी देखिए तो जरूर इस बात को, जिस देश को हम, जिस देश के बारे में हम कह रहे हैं, जिस देश में ऐसे सूरजमल जैसे लोग पैदा हुए, उस देश को गाली बक रहे हैं और इसी देश के नेता उसको थप्पी दे रहे हैं, इन नेताओं को थप्पी दे रहे हैं। और आप बोल मांग रहे हैं, प्रतीक आपका भी शुक्रिया, हरिराम जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सिर्फ मैं राजस्थान के वासियों को कह रहा हूं, उठकर खड़े हो, क्योंकि बात सिर्फ सूरजमल जी की नहीं, कल को किसी और को छेड़ा जाएगा, उनके बारे में अपमान किया जाएगा। ये किसी एक जाति के और धर्म के महानुभव नहीं रहे हैं, ये हिंदुस्तान के महानुभव रहे हैं। उनका अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। और अगर आपके नेता नहीं सुन रहे हैं तो आपको सोचने की जरूरत है। सर शुक्रिया, मेरे पास वक्त की वाकई में कमी है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चल रही बैठक खत्म हो गई है, पीसीसी वॉर रूम में यह बैठक खत्म हो गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।